हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की सप्ताह 13 की गणित की कार्यपत्रक और हमारा उपविषय है सममित और असममित आकृतियाँ। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न एक देखिए, क्या प्रत्येक आकृति पर बनी बिंदु रेखा समरूपता की रेखा है? बच्चों, कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ पिक्चर दी गई हैं, कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और उनमें एक रेखा बनाई गई है। आपको बताना है कि क्या वह रेखा समरूपता की रेखा है या नहीं है। तो बच्चों, आपको बता दें कि समरूपता की रेखा वह रेखा होती है जिसके दोनों तरफ के हिस्से बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसे पहले में देखिए, यहाँ का जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा है इस तारे का, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बिल्कुल एक जैसा है। यानी अगर हम इसको बीच में से फोल्ड कर दें तो ये दोनों हिस्से एक के ऊपर एक आ जाएंगे। इन्हीं को हम बोलते हैं समरूपता। देखिए, तो आकृति एक जो है समरूप है, हमने उत्तर लिखा हाँ। उत्तर दो में समरूपता है, हाँ। तीन में देखिए, इसमें समरूपता नहीं है, हमने लिखा नहीं। चौथी आकृति में समरूपता नहीं है, पांचवी आकृति में भी समरूपता नहीं है, फिर छठी आकृति में समरूपता है, हाँ। सातवीं आकृति में समरूपता नहीं है और आठवीं आकृति में भी बिंदु रेखा समरूपता की रेखा नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न दो की ओर। अब यहाँ पर आपको कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, आपको इनमें समरूपता की एक रेखा खींचनी है। मतलब आपको ऐसी रेखा खींचनी है कि जिस पर फोल्ड करने से दोनों तरफ की आकृतियाँ एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें। ये देखिए, पहली आकृति में हमने बना दी, दूसरी आकृति में हमने इस तरह बनाई है, तीसरी आकृति में हमने इस तरह बना दी, चौथी आकृति में ऐसे बना दी है, पाँचवीं में ऐसे बनाई है, छठी आकृति ऐसे है, सातवीं में ऐसे बना दी और आठवीं में ऐसे बना दी है। ये सभी समरूपता की रेखाएं बना दी हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, उन आकृतियों के संख्या नाम लिखें जो बिंदु रेखा द्वारा दो दर्पण हिस्सों में विभाजित हैं। बच्चों, दर्पण हिस्सों में विभाजित होने का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई आकृति है, अगर मान लीजिए बीच में एक समरूपता की रेखा हमने बना दी और इस तरफ अगर हम शीशा रखते हैं तो बिल्कुल ये वाली आकृति जो है इसके इसमें इमेज आ जाएगी, शीशे में बिल्कुल ऐसी दिखेगी। और इसको जब हम समतल दर्पण में देखेंगे तो वह पूरी आकृति नज़र आती है। देखिए, इसमें आकृति नंबर 1 दर्पण हिस्सों में विभाजित होने वाली है, आकृति नंबर 3 है जो पत्ता है, आकृति नंबर 4 ये रही, आकृति नंबर 5, आकृति नंबर 6, 8, 10, 13 और 15 जो आकृतियाँ हैं ये दो दर्पण हिस्सों में विभाजित हैं। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है। अन्य विषयों की कार्यपत्रक के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।